वाओ सुपर, मुंह में पानी आ गया। जब दिखने में मुंह में पानी आ गया तो इसका खाने में कितना टेस्ट होगा। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा तभी आप लोगों के समझ में आएगा। प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अचार बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी अचार जो सालों साल चलेंगे। आप एक साल दो साल कितनों भी दिन तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इस तरीके हम बताएंगे, आइए फिर बताते हैं। ये हमने आम ले लिया है, कच्चे हरे आम है। आम सीजन में एक ही बार आता है तो आप लोगों सीजन में बनाकर साल दो साल खाइए। और ये हल्दी पाउडर है, नमक ले लिए हैं, स्वाद अनुसार डालेंगे। सबसे पहले आम को चीर लेते हैं, मसाले हम बाद में दिखाएंगे। ये आम फाड़ने वाला है, आम को अच्छी तरीके हम धुल लिए हैं। धुल के फिर थोड़ा इनको कपड़े से पोंछ लिए हैं, फिर इनको काट रहे हैं। थोड़ा हाथ बचा के काटिएगा। ये देखिए, इसमें का बीज निकाल देंगे। अगर आपको बीज पसंद है तो बीज भी डाल सकते हैं। इस तरीके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे सभी आमों का। आम को हमने काट लिया इस तरीके, ये देखिए। इसमें से ये पके आम निकल चुके हैं इतने, और ये भी पके हैं, गुल गुल हैं। हमने आम को कल खरीदा था और देर हो गई काटने में, इसलिए बहुत जल्दी पक गया। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप जब भी बनाइए आम तुरंत लीजिए, तुरंत ही उसको धुल कर पोंछ कर काट लीजिए। और काट कर आइए फिर बताते हैं क्या करना होगा। एक डिब्बा लेंगे, अब इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। अब इनको हथेलियों से इस तरीके मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया है, अब इनको डिब्बे में डाल देते हैं। हल्दी नमक डाल देते हैं। अब ढक्कन लगा देते हैं इस तरीके। अब इनको कल इसमें मसाले मिला के रख देंगे, अभी इसमें से पानी निकलेगा। सात आठ घंटे बीत चुके हैं, अब इनको फैला देते हैं धूप में दो घंटे तीन घंटे के लिए। इतना ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि ये जल्दी सूख जाएगा। इस तरीके छिलके के नीचे भाग रखेंगे और गूझा ऊपर का हिस्सा कर देंगे। इस तरीके रखने से आम के अचार कालापन नहीं आता, हरापन रहता है अचार में, ताजे दिखेंगे अचार। ये देखिए इतना पानी निकला है, इनको रख देंगे, फेंकेंगे नहीं, अचार में ये काम आएगा। सभी अचार को सीधा कर देते हैं ताकि छिकले में धूप न लगे। धूप लगने से थोड़ा कालापन हो जाता है, इससे बढ़िया ताज़ा फ्रेश अचार रहेगा।
इनको 2-3 घंटे के लिए सुखा लेते हैं। आम बढ़िया तरीके से सूख चुका है, ये देखिए। हम इनको ज़्यादा नहीं झूर करेंगे, सूखा करेंगे। इसमें को पानी ख़त्म करना है, 6-7 घंटा लगे हैं सूखने में, बढ़िया सूख चुका है। आइए मसाले की बताते हैं, मसाले की तैयारी करते हैं। मसालों में हमने ये धनिया ले लिया है, इसमें जीरा भी है, सौंफ भी है। धनिया जीरा सौंफ एक साथ ले लिए हैं। लाल तीखी मिर्च है, सूखी मिर्च है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी मिर्च डालिए, हम बहुत कम ही डाल रहे हैं। ये मंगरायल है, इसे करायल भी बोलते हैं, 1 चम्मच, इसे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 चम्मच मेथी दाने हैं, 25 ग्राम तक लहसुन की कलियां हैं, छिलका उतार के ले लिए हैं इस तरीके। 2 बड़े चम्मच सरसों है, काली सरसों, आप राई भी ले सकते हैं, ये पीली सरसों। 1 बड़ा बाउल सरसों का तेल ले लिए हैं, अभी तेल थोड़ा और डालेंगे, करीब 1.5 कटोरी, 1.5 बाउल। हींग डालेंगे, ये काश्मीरी मिर्च है, 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी मिर्च डालेंगे। आइए सबसे पहले मसाले भून लेते हैं। गैस जला दिए, पैन भी रख चुके हैं, पैन काफी गर्म हो चुका है। अब मसाले रोस्ट कर लेते हैं। इनको भून कर दरदरा पीस लेंगे। मसाला बढ़िया तरीके से भून चुका है, ये देखिए चुटचुटाने की आवाज। अब इनको निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। अब मेथी दाने डालेंगे, इनको भी भून लेते हैं। मेथी के दाने भी बढ़िया से भून चुके हैं, इसी में निकाल लिए। अब सरसों के दाने भून लेते हैं। इनको भी निकाल लेते हैं, ये भी बढ़िया से भून चुकी है। इनको अलग बर्तन में निकालेंगे, इसलिए कि इनको 2 भाग में पीसना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, इसलिए इनको अलग रखेंगे। करायल भून लेते हैं, मंगरायल। ये भी बड़ी भून चुका, इनको भी निकाल लेते हैं। पैन काफी गर्म है, इसलिए गैस पे नहीं रखेंगे। लाल तीखी मिर्च भी इसमें डाल के भून लेते हैं थोड़ा। इनको ज्यादा नहीं भूनेंगे, इसलिए ये छीके आने लगती है। थोड़ा गर्म करेंगे ताकि मिक्सी जार में बढ़िया से पीस जाए। इसको ज्यादा भूनने से खांसी आने लगती है। मिर्च काफी गर्म हो चुका है, इनको निकाल लेते हैं। अब पैन में सरसों का तेल डालेंगे, 1 बाउल। तेल थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा और डाल देंगे, 1/2 बाउल तक। अगर अचार दोस्तों अचार में
तेल ज्यादा रहता है तो अचार कभी खराब भी नहीं होता, टेस्ट भी बढ़िया रहता है। आइए इनको गैस पे रखते हैं ताकि बढ़िया से गर्म हो जाए सरसों का तेल। गैस की फ्लेम बंद कर दिए हैं, ऑयल काफी गर्म है, अभी इसमें हींग नहीं डालेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ऑयल थोड़ा शांत हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया है तो आधा चम्मच हींग डाल देंगे। ये देखिए, एक चम्मच काश्मीरी मिर्च डालेंगे। आप मिर्च जब भी डालिए काश्मीरी मिर्च नाप कर डालिए, मैं अंदाज से डाल रही हूँ। अब इनको अचार में डालेंगे, आम में। अभी इनको हाथ से नहीं छुएंगे इसलिए कि काफी गर्म है। इस तरीके से मिला देंगे, आप कलछुली या चम्मच से मिलाइए। आइए इन मसालों को कूट पीस लेते हैं और लहसुन की कलियां को दरदरा कर लेंगे। आइए सबसे पहले सरसों पीस लेते हैं, इनको ज्यादा महीन नहीं पीसेंगे। ये देखिए इस तरीके बढ़िया पीस गया, तभी पर काफी महीन हो गया दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, इनमें डाल देते हैं आम में। अब ये सब मसाले पीस लेते हैं। दो भागों में इनको पीसेंगे। ये भी बढ़िया से पीस चुका है, ये देखिए महीन, इनको भी डाल देते हैं। अगर मसाला थोड़ा कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नमक और मिर्च कम ज्यादा ना होने पाए। ये मंगरायल इनको ऐसे ही डाल देते हैं। अब लाल तीखी मिर्च पीस लेते हैं। अगर आपके पास पीसी मिर्च हो तो उसको इस्तेमाल करिए। मेरे पास इस समय पीसी मिर्च नहीं थी इसलिए मैं साबुत मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके डंठल निकाल के इनको फेंक देंगे।
ये देखिए ये भी पीस चुके हैं, इनको भी डाल देते हैं। लहसुन की कलियों को इस तरीके हम कूट लेते हैं, मिक्सी जार में नहीं पीसेंगे इसलिए कि एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एक मिनट भी ज़्यादा हो जाता है तो काफ़ी महीन हो जाता है, तो हमें महीन नहीं करना है, दरदरा ही रहना है, इसको दरदरा रखेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टे नहीं हैं तो ओखली में कूट लीजिए। लहसुन की कलियों को हमने कूट लिया है, इनको भी डाल देते हैं। ये जो आम का पानी बचा था कल हमने दिखाया था उनको डाल देते हैं। दोस्तों इस समय जैसा कि देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी सामाने नहीं मिल रहे हैं, सिरके वगैरह वाले नहीं बेचने आते और दुकान में भी कौन जाए दुकान, इसलिए हम सिरके नहीं डाल रहे हैं। आपके पास हो सिरके तो सिरके भी डाल दीजिए, सिरके से और ही टेस्ट बढ़ जाता है। इनको मिला देते हैं अच्छी तरीके, इनको अच्छी तरीके मिला लेते हैं। अगर आप सिरका डालेंगे तो और बढ़िया बनेगा और टेस्ट आएगा, अगर नहीं है तो बिना सिरका के भी बना लीजिए। जैसा कि देख रहे हैं इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत दिक्कतें पड़ रही है, हर सामान नहीं मिल पाता है, तो इस समय मेरे पास सिरका नहीं है इसलिए सिरका नहीं डाल रही हूँ, बाद में भी डाल सकती हूँ। नमक भी नहीं डालेंगे इसलिए कि नमक और हल्दी हमने पहले से ही डाल दिया था। हमने अच्छी तरीके मिला दिया है, आइए इनको जार के डिब्बे में डाल देते हैं। जार में आप कांच के बर्तन में रखिए तो और अच्छी बात है, मैं यहाँ प्लास्टिक के बर्तन में रख रही हूँ। इनको 2 से 3 दिन तक धूप दिखाएंगे ढक्कन बंद करके, फिर 3 से 4 दिन में खाने लायक हो जाएगा, आप खा सकते हैं रोटी पूरी पराठा दाल के साथ। दोस्तों अचार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। दोस्तों मैं इसी तरीके की वीडियो आप लोगों को लाती रहूँगी, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।